ये लहसुन प्याज अदरक इनको छील के काट लो और फिर ग्राइंड कर लो बेटा। भर के एक चम्मच और डाल, बस चमचा सिम डाल दो, मेल्ट होने दो इसे, चमचा सिम छोड़ दो 2 मिनट के लिए। ये तो सही है, यहाँ पे चीज़ें रखने की। हाँ ना, बाबा को फिर बोल दूं कैसे। चलो सही है, चमचा हिलाओ बेटा, गर्म हो जाएगा नहीं तो। थोड़ा सा घी और डालो बेटा इसमें, क्योंकि अभी ये चीज़ें भी फ्राई होंगी ना। आधा चमचा और डाल दो, हाँ ये वाला पूरा डाल दो, ये वाला। हाँ बस डालो इसमें, अंडे डालो एक एक करके। हाँ एक एक करके छींटे ना उड़ाना अपने ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता डालो बेटा, सारे डालो क्या, एक एक करके फ्राई करोगी। नहीं नहीं ये भी डालो मामू के लिए, जैसे भाभी के लिए। अच्छा अच्छा हाँ, पिज्जा और मामा तुम्हारे वैसा वाले खाएंगे ना, उनका छोड़ दो, उनका फ्राई नहीं करो। बस अब इसको चमचा रोको, थोड़ी देर होने दो, चलाओ चमचा चलाओ। बस उलट पुलट ना करो, ऐसे ही हिलाओ अभी। हाँ चलो निकालती जाओ, प्लेट प्लेट हाथ में पकड़ लो, हाथ में पकड़ लो, इससे टिका टिका के करो ताकि चिकनाई इसी में रह जाए। हाँ ऐसे, हाँ ऐसे, इस तरह चिकनाई नहीं आती है ना वरना। प्लेट थोड़ी आगे की तरफ करो ताकि इसमें, हाँ शाबाश। बाकी ये भी मटेरियल निकालो, ये मटेरियल जो उसमें है, बस आलू डाल दो, आहिस्ता आहिस्ता करके डालना, छींटे ना उड़ा लेना अपने ऊपर। आँच हल्की करके डालो, हल्की हल्की बेटा, हल्की है। हाँ दो दो पीस उठा के डाल दो, एक एक करके डाल दे। चलाओ चमचा, जब ये एक साइड से हो जाए तो फिर उनको दूसरी तरफ पलटना। अभी 2 मिनट रुको, हल्की सी आंच बढ़ाओ। वन बाय वन करके पलटती जाओ इसको, ताकि दूसरी तरफ से भी सीख जाए थोड़ा हल्के से। शाबाश, ये मेरा ख्याल है फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, है ना? घर में बनाए थे? नहीं घर में नहीं बनाए, लेकिन हाँ मम्मा के देखे जरूर है। अम्मी पकाती थी। अच्छा धनिया पाउडर डालती थी बेटा, ये मेथी दाना है, इसको मेथी दाना कहते हैं। ये धनिया पाउडर दिख रहा है तुम्हें, मम्मा को बनाते हैं जरूर देखा है। हाँ उनके पास खड़े जरूर हुई कैसे बना रही है, कैसे पका रही है। सही, आज हाथ से पहले बना रही है, यानी कि पहले दफा इस तरह से बना रही, वरना तो बस मम्मा बनाती थी, हाँ भाई ये डालने देखो, ये डालने में ये देखो अब चला दो, तुम मस्त इस तरह से देखी जरूर, हर चीज़ देखी जरूर है कैसे बना रही है। सही, अब इस पूरे में चमचा चलाओ बेटा, जैसे सालन चलाते हैं ऐसे पूरे सबको। हाँ ऐसे, ताकि हर तरफ से हो जाए ना। इसको सीधी तरफ से कर, वो करो पलटो, ये इसको इसको पलटो। हाँ इसको, हाँ ऐसे, इस वाले को भी। हाँ बस बेटा प्लेट में निकाल लो वन बाय वन करके। मसाला जो ग्राइंड किया था लेकर आओ, इसको साइड में रखो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। चलो डालो इसमें मसाले, डालो भी। नहीं नहीं ये इसमें नहीं डलेगा लड़की, क्या हो गया है? नमक थोड़ा और लो, हाँ बैलेंस नहीं करो, और थोड़ा और लो, हल्का होगा नमक वरना इसमें। हाँ डाल दो, 2 चमचे मिर्च डालो जल्दी से। शाबाश,
मिर्ची का बैलेंस रखना, हाँ भर के नहीं डालना, पर डाल दो डाल दो, एक एक और, हाँ डाल दो, बस डाल दो डाल दो, सही। एक टीस्पून हल्दी, एक चम्मच धनिया पिसा हुआ, चम्मच इसी में धनिया का, बैलेंस करके ज़्यादा भर के नहीं डालना, हाँ बस डाल दो, क्योंकि ज़्यादा डालो ना सालन फिर काला काला हो जाता है, स्याही माइल हो जाता है, बस मिक्स ना करो, छोड़ दो। अब एक मिनट इसमें मेथी दाना डालो, इसमें चम्मच चलाओ और ये मसाला डाल दो, चलो आहिस्ता से डालना, प्लेट में थोड़ा सा पानी डालो, उसको हिलकोर दो और फिर इसमें डाल दो, डाल दो ये मसाला जितना इसमें लगा हुआ है, इसको तो करो बेटा, जो ऐसे ऐसे हिलाओ, बगैर हिलाई डालोगी मसाला प्लेट में रह जाएगा, फ़ायदा क्या होगा, खाली पानी डालोगी ऐसे, ये लो। अब इसको पकने दो, थोड़ा पानी इसका कम हो, मसाला भुने, उसके बाद अभी पानी ना डालना, अब पानी इसमें है सही है, आँच थोड़ी बढ़ाओ बेटा, नहीं इसको ढांको मत, ऐसे ही पकने दो, चमचा निकाल लो, एक चलाओ बेटा उस मसाले को चलाओ, हाँ पानी इसका खुश्क हो रहा है ना, भुनाई पे आ गया, थोड़ा सा दो चार बार इसमें से चमचा चलाओ, ये सही से भुन जाए, फिर इसमें दूध डालो, ये ऑयल ऊपर आ गया ना, अब दही डाल दो इसमें, इसको भूनो, इसमें सालन चला बेटा, भूनो इसको सही से, हाँ ऐसे, शाबाश, हाँ ऐसे भूनते हैं ना, वरना सिर्फ दाएं बाएं करने से नहीं होता है, हाँ अब सही कर देंगे, शाबाश, अभी थोड़ा सा और भुन जाए ना, फिर शोरबा कर देंगे, चमचा चला बेटा, पानी डाल दो इसमें, हाँ हाँ डाल दो, अब इसको चेक कर लेते हैं जितना शोरबा रखना है, फिर उस हिसाब से, बस अब इसमें खोल आ जाए, उसके बाद अंडे आलू डाल के और मिर्च डाल के दम लगा देना, खोल आने दो एक मिनट, हाँ बस बेटा, अब ये चीज़ें इसमें डाल दो आहिस्ता से, ये प्लेट आएंगे, चमचे की मदद से वो करो, नहीं तो छींटे आएंगी, आहिस्ता आहिस्ता करके, हाँ आराम आराम से, छींटे ना उड़ा लेना अपने ऊपर, ऐसे खिसका खिसका के नीचे कर दो, हाँ ऐसे यूँ, शाबाश, बस चमचे चलाओ इसमें, बस छोड़ दो, ये मिर्ची डालो और दम लगा दो, बस दम लगा दो, ढक्कन डाल दो इसका, बस 3-4 मिनट इसको दम लगाना, फिर ढक चूल्हा बंद करके हरा धनिया डाल देना, अब ऐसा करो बेटा, इसका ढकना खोलो आहिस्ता से, हाथ बचा के, ठीक है, और हरा धनिया डाल दो उसमें चूल्हा बंद करके, पहले एक मिनट ढकना खोलो, हाँ ढकना उधर रखो साइड में पलट के, चूल्हा बंद कर दो, बस हरा धनिया डाल दो, इजी मेथड बताया ना मैंने, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बताने, हाँ ना मैं अपनी वीडियोस में भी यही कह रही होती हूँ, इतने इजी मेथड होते हैं मेरे खानों के, कोई अनाड़ी भी सीख ले।